हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल गार्डन वॉइस पर करता हूँ जी आपका स्वागत। और आज हम आपको अपना इंडोर सेटअप दिखाने वाले हैं कि हमने अपने इंडोर के अंदर कैसे कैसे प्लांट लगा रखे हैं और क्या क्या लोकेशन है। ठीक है, तो हम उनको आपके साथ करेंगे जी वन बाई वन शेयर। ठीक है, पौधे ज़्यादा हैं, ठीक है, एक वीडियो में कवर ना होके हम आपको मल्टीपल वीडियोस के अंदर देंगे जी इसका अपडेट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, ये हमारा थर्ड फ्लोर पे बना हुआ है। एक अभी आप देख सकते हैं फोर्थ फ्लोर का है, ये है जी हमारा थर्ड फ्लोर का। तो थर्ड फ्लोर पे हमने ज़्यादा लगा रखे हैं, ठीक है, तो उसको करेंगे जी आपके साथ डिस्कस। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, ये है जी हमारा एक लोकेशन। एक मैं आपको पहले सेटअप समझा दूँ, एक खिड़की है, ठीक है, और आप देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पर धूप आ रही है। तो धूप के अंदर कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको मैक्सिमम धूप चाहिए, ज़्यादा धूप चाहिए, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको कम धूप चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है जी हमारा अजवाइन का। ठीक, तो अजवाइन आप देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर ग्रो कर रही है। आप इनकी पत्तियों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, इनकी बड़ी बड़ी पत्तियों से भी आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस सेटअप के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके अजवाइन के पत्ते बहुत अच्छे लगेंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये चार छोटे छोटे हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। तो यानी कि 11 हमारे यहाँ पर ये लगे हुए हैं जी अजवाइन के। ठीक है जी, अजवाइन एक हर्बल प्लांट है और बहुत अच्छे इसके हैं जी बेनिफिट्स अगर आप इसको डेली यूज करते हैं खाने के अंदर। चलिए जी, ये है जी हमारा जेड प्लांट, लक्की प्लांट भी इसको कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी पत्तियों की शाइनिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़बरदस्त इनके लिए माहौल बना हुआ है। चमक रही हैं जी पत्तियाँ, देख रहे हैं, ये शाइनिंग मार रही हैं जी, देखिए आप क्या ज़बरदस्त शाइनिंग इनके ऊपर आ रही है, देख रहे हैं रिफ्लेक्शन कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये लोकेशन भी है जी, आप इनको बिल्कुल छाए के अंदर ना रखें और बिल्कुल धूप के अंदर भी ना रखें, ऐसी हो कि इनके ऊपर 1-1.5 घंटे की सुबह के वक्त आप देखें धूप पड़ जाए तो इनके लिए है जी बेस्ट। देख रहे हैं आप, ये आप देख सकते हैं हमारे तकरीबन 4 4 4 12 और एक ये देख आप देख सकते हैं 13 यहाँ पर हमारे लगे हुए जी जेड प्लांट। चलिए जी, और हम आपको दिखाते हैं कुछ हमारे कोलियस। ठीक है, ओलियस को हमने धूप में नहीं रखा हुआ, हमने उसको थोड़ा साइड में रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ी सी धूप चाहिए, ज़्यादा धूप के अंदर रखेंगे तो पत्तियाँ इनकी सिकुड़ जाती हैं और हीट से इनका मॉइस्चर हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये मॉइस्चर को पसंद करता है और धूप इसको अच्छी लगती नहीं है। या तो आप इसको किसी बड़े प्लांट के नीचे रखें, ठीक है, या इसको आप शेडेड एरिया के अंदर रखें। या आप देख सकते हैं हमारे एक ये वेराइटी है, एक वेराइटी ये है और एक वेराइटी है जी हमारी ये, ठीक है। तो तीन आप देख सकते हैं हमारे ओलियस के प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं। एक हमने छोटा सा यहाँ लगा रखा है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं वक्त रहते बड़ा हो जाएगा, ठीक। और नीचे हमने आप देख सकते हैं ये लगा रखे हैं जी मारीगोल्ड। मारीगोल्ड को वैसे धूप की जरूरत होती है, पर यहाँ पर धूप आएगी। अभी तो आप देख सकते हैं सुबह के 10 बज रहे हैं, लेकिन 1 बजे आप देखेंगे सूरज बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा और 1.5-2 घंटे की धूप इनको बढ़िया मिलती है। और आप देख भी रहे हैं फूल खिले हुए हैं। फूल क्यों खिले हैं? क्योंकि उनको धूप मिलती है और कलियाँ भी आप देख रहे हैं बन रही हैं। कोई बहुत बड़े बड़े पॉट नहीं है, आप भी देख के हैरान हो जाएंगे कि इतने छोटे छोटे पॉट के अंदर भी क्या फ्लावरिंग हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। ये आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे ये पॉट्स हैं जी हमारे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हैं आप कितना छोटा सा पॉट है जी हमारा ये, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये खूबसूरत सा फूल हमारा खिला हुआ है, जो इस गार्डन का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है जी हमारा ये गेंदे का। अच्छा जी, इसके बराबर में ये दो हमारे रखे हुए हैं जी क्या, मॉर्निंग ग्लोरी। सुबह सुबह के वक्त इसमें खिलते हैं जी फूल, अभी तो हमने नया लगाया है जी इसको, और एक पोल दो पोल हमने ये लगा दिए हैं, और आप देखेंगे वक्त रहते रहते इनके ऊपर ये कुछ इस तरीके से सर्कुलेशन होगी और 3 से 4 ये हमारे प्लांट एक ही बड़े पॉट के अंदर हमने इनको लगा रखा है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा सेटअप बना हुआ है जी। चलिए जी, ऊपर आप देख सकते हैं एक हमारा ओलियस एक और रखा हुआ है, एक आप देख सकते हैं हमारा स्पाइडर प्लांट, और ये आप देख सकते हैं हमारे खूबसूरत से प्यारे से देख सकते हैं जी बहुत ही हसीन और जमीन खूबसूरत से हमारे अरेका पाम। इनको भी आप बिल्कुल तपती हुई धूप के अंदर ना रखें, इनको शेडेड एरिया ज़्यादा पसंद होता है
और लाइट इनके ऊपर छन कर आती हो। यहाँ देखें शीशे से लाइट इनके ऊपर गिरती है, जो बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट इनके लिए करते हैं जी क्रिएट। चलिए जी ठीक। और अभी आप देख सकते हैं ये है जी हमारे सिंगोनियम, हमने इनको स्टेयर्स के ऊपर रखा हुआ है, देख रहे हैं आप 6 स्टेयर्स हैं हमारी और हमने हर स्टेयर्स के ऊपर इसको एक एक रखा हुआ है। और इनके भी आप पत्तों की शाइनिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बढ़िया इनके लिए सेटअप बना हुआ है। इनको तेज़ धूप पसंद नहीं है, शेडेड एरिया के अंदर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं जी ये ग्रो। ठीक है, एक आप ये देख सकते हैं, एक ये देख सकते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, और कई सारे हमारे ये लगे हुए हैं। वहीं आप देख सकते हैं हमने कुछ कटिंग लगा रखी है जी स्नेक प्लांट की, तो ये भी टाइम टू टाइम ग्रो होती रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है इनकी ग्रोथ के लिए। चलिए ठीक, वहीं आप देख सकते हैं एक वैरायटी, आप देख सकते हैं ये जी हमारा मनी प्लांट, मनी प्लांट भी हमने कई सारे लगा रखे हैं, देख रहे हैं आप, एक मनी प्लांट ये है, बाकी मैं आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे मनी प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मनी प्लांट लगी हुई, तो मनी प्लांट को ये सेटअप भी बहुत ज़्यादा लगता है जी अच्छा। देख रहे हैं आप इनकी शाइनिंग से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है जी, एक ये मनी प्लांट है हमारे हैंगिंग पॉट के अंदर, एक ये लगा हुआ है, एक ये सिंगोनियम लगा हुआ है, और बाकी आप नीचे देख सकते हैं हमने कुछ ये कटिंग से किए हैं जी ग्रो। क्या है कि हमारे ये स्नैक प्लांट है, एक आप देख सकते हैं हमने ये कटिंग से लगाया, और ये आप देख सकते हैं एक नया पफ इसका निकल रहा है। ठीक है, और एक आप देख सकते हैं हमने ये कटिंग से ये ग्रो किया था, ये बेबी वाले हैं जी, एक आप देख सकते हैं ये भी अच्छे तरीके से कर रहा है जी ग्रो। ठीक है, जितने भी हैं ये हमने सारे कटिंग से किए हैं जी ग्रो स्नैक प्लांट। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जी, 2 से 3 महीने लगते हैं जी इनके ये निकलने के अंदर। ठीक है, लेकिन फाइनली निकल गए हैं। चलिए जी, और एक हमारा ये है जी हमारा टिफिन बाचिया, ठीक है डम कैन भी इसको बोलते हैं टिफिन बाचिया, तो ये भी बहुत एक खूबसूरत सेट है इसका बना हुआ है, तो ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रो कर रहा है। यहाँ से आती है जी रोशनी, ठीक है, और यहाँ पर पड़ती है जी रोशनी, तो एक बहुत बढ़िया ये बनता है जी एनवायरमेंट। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारा पूरा थर्ड फ्लोर का सेटअप, और ये वाकई में लगता है जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। बाकी डिस्कस करेंगे जी हम अपने ऊपर वाले सेटअप को भी, और एक है जिसके नीचे उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे जी कवर। तो थैंक यू वेरी मच, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे हैं जी फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, जय हिंद।